हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे आईएसएल मैच मुंबई सिटी एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी की। सो फ्रेंड्स, आपने कल देखा जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मैच था वर्सेस एफसी गोवा, दैट एंडेड इन अ 2-2 ड्रॉ। सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विच वी सिलेक्टेड प्लेड। सो आज भी हम ट्राई करेंगे टू नेल मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द टू लाइनअप्स ऑफ बोथ द टीम्स। आपको जैसे मैंने कल बताया था, आज भी बताता हूँ कि इनिशियल पार्ट ऑफ द सीज़न में काफ़ी मुश्किल होता है प्रेडिक्शन करना। नाउ इस मैच के लिए फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मुंबई सिटी और जमशेदपुर दोनों के नए मैनेजर्स हैं, उन्होंने एक भी मैच अभी तक मैनेज नहीं किया है इन द प्रॉपर रेगुलर सीज़न। सो इट इज़ अनलाइकली कि हमें एग्जैक्टली वी कैन गेस कि कौन सी वो लाइनअप्स खिलाएंगे। प्री सीजन मैचेस के बेसिस पे वी कैन ओनली सी एंड प्रिडिक्ट कि वो कौन से प्लेयर्स इस मैच में खिला सकते हैं। अगर बात करें इनके पिछले सीज़न की, जमशेदपुर फिफ्थ फिनिश करी थी लीग में और मुंबई सिटी एफसी सेवन्थ फिनिश करी थी। एंड में इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट का फ़र्क था, बट इनकी फिलॉसफी ऑफ प्ले बिल्कुल डिफरेंट थी। सो जमशेदपुर एफसी बहुत ही टाइट एट द बैक थी, डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड थी। इनका सेकेंड बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड था इन द लीग, इसके बावजूद ये फिफ्थ फिनिश करी। दैट वॉज बिकॉज इन्होंने गोल्स भी काफ़ी कम मारे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऐसा क्लब था जिन्होंने जमशेदपुर एफसी से कम गोल मारे थे लास्ट सीज़न। सो अटैकिंग एरियाज़ में जमशेदपुर एफसी को नीड टू वर्क ऑन, जबकि डिफेंस उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था लास्ट सीज़न। मुंबई सिटी की बात करें तो उनका ऑपोजिट रिकॉर्ड था। मुंबई सिटी ने थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स मारे थे एंड थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए थे, विच जस्ट शोज यू कि उनका अटैक में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, बट डिफेंसिवली दे यूज टू स्ट्रगल, सो क्लीन शीट वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर देम। सो गोइंग इन टू दिस सीज़न, मुंबई सिटी एफसी का मेन पर्पस होगा कि अपना डिफेंसिव बैकलाइन को थोड़ा स्ट्रांग करे, जबकि जमशेदपुर का पर्पस होगा कि वो और गोल स्कोर करें। उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये दोनों टीम्स ने काफ़ी प्लेयर साइन करे हैं टू केटर टू देयर डिफेंस एंड अटैक। पहले बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी की, तो अमरिंदर होंगे उनके गोलकीपर। अगर उनके डिफेंस की बात करें तो उनके कैप्टन लूशियन गोयान उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इन्होंने 2 गोल मारे थे लास्ट सीज़न। ही विल बी एक्सपेक्टेड टू बी पार्टनर्ड बाय क्लिसुरा इन द सेंटर बैक। इन दोनों की पार्टनरशिप जनरली ऑपरेट करने की प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा होगा आईएसएल टीम्स की स्पाइन जो होती है उसमें मोस्टली फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, और जो विंग्स पर अगर बात करें उसमें मोस्टली इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं। अगर बात करें इनके विंग्स की, सो चक्रवर्ती इनका स्टार्ट करने का चांस इज़ वेरी गुड आई वुड से, जबकि दूसरा जो फ्लैंक है उसमें मोस्ट लाइकली बो स्टार्ट करेंगे, बट उनकी जगह अनवर अली भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिडफील्ड में बात करें तो कुछ प्लेयर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स हैं इनके लिए खेलते हैं। सहनाज सिंह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो डीप होल्डिंग मिडफील्ड रोल में इनके लिए ऑपरेट करते हैं। प्रधान एंड बिपिन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर एक और मिडफील्ड स्लॉट की बात करें, फॉरेन स्लॉट, तो उसमें मचाडो और मीरा बाजे में से एक प्लेयर खेलेंगे। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर इसमें अभी तक कौन खेलेगा। फ्रंट टू की बात करें तो राफाइल बेस्टॉस ये एक ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द नंबर 10 रोल जो क्रिएटिव अटैकिंग मिडफील्डर रोल होता है, ऑल्दो ही इज़ लिस्टेड एज अ स्ट्राइकर। और सोगू जो एक्चुअली लिस्टेड एज अ डिफेंडर हैं, ये मोस्ट लाइकली एज अ फॉरवर्ड खेलेंगे इस मैच में। जमशेदपुर एफसी की बात करें तो उनको काफ़ी इंजरीज और सस्पेंशंस इस मैच में हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि टिम केहिल जो उनके रिकॉर्ड साइनिंग है, ही इज़ सस्पेंडेड एंड ही विल नॉट प्ले दिस मैच। सिमिलरली उनके गोलकीपर सुब्रता पॉल, ही इज़ ऑल्सो सस्पेंडेड, ही विल ऑल्सो नॉट प्ले दिस मैच। सो इनका लाइनअप प्रिडिक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है बिकॉज कुछ और फ्रिंज प्लेयर्स आएंगे जो इनकी टीम में खेलेंगे। सो बात करें गोलकीपर की, मोस्ट लाइकली रॉय चौधरी विल रिप्लेस सुभाशीष पॉल योर टीम, सुब्रत पॉल इन योर टीम, सो यू कैन पिक हिम। तीरी इनके कैप्टन हैं, सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, यू कैन पिक हिम इन योर टीम। दूसरे सेंटर बैक में या तो गायकवाड़ खेलेंगे या बालमुचू, ये आज लाइनों के बाद हम देखेंगे कौन से खेलते हैं। अगर बात करें दूसरे फुल बैक जोन की, तो गुरुंग और करण अमीन इनमें से एक प्लेयर विल प्ले एज द राइट बैक, जबकि अगर लेफ्ट बैक की बात करें तो यमुना इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। मिडफील्ड में अगर बात करें, मेमो इज़ अ वेरी
इंटरेस्टिंग प्लेयर इनके लिए, ये काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रॉम मिडफील्ड, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। दूसरा मिडफील्ड स्लॉट या तो आरकेएस खेलेंगे या मॉर्गाडो। अगर फ्रंट की बात करें तो जेरी इनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में स्टार्ट करेंगे। सिडोंचा, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। सिडोंचा के बारे में आपको बताता हूँ, जो प्री सीजन में मैच हुआ था जमशेदपुर एफसी का, उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड की बी साइड को हराया था 1-0, जिसमें सिडोंचा ने गोल मारा था। सो इतने हाई कैलिबर ऑपोजिशन के अगेंस्ट सिडोंचा प्रूव्ड हिज वर्थ टू द मैनेजर, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिडोंचा इन अटैकिंग मिडफील्ड रोल इस मैच में स्टार्ट करेंगे। कैल्वो इज़ अनदर प्लेयर जो काफ़ी चीप हैं, बट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट, लेफ्ट विंग रोल में खेलेंगे, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ हिज डिफरेंशियल स्टेटस, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं मेरे हिसाब से। पासी इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एज द स्ट्राइकर बिकॉज एज आई सेड टिम केहिल इज सस्पेंडेड इन दिस मैच। सो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी डाउट्स है दोनों टीम्स के फॉर्मेशन में। लेट्स ट्राई एंड पिक द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल विद प्लेयर्स जो मोस्ट लाइकली वी कैन विश विल स्टार्ट दिस मैच। पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्राइकर से। आप देख सकते हैं टिम केहिल इज 10, इनका मैं ओनरशिप देख रहा था, इट्स 70.4%। 70.4% लोगों को पता ही नहीं है कि ये सस्पेंडेड हैं इस मैच के लिए और नहीं खेलेंगे। सो इनको सिलेक्ट नहीं करके आपको एक डेफिनेट एडवांटेज मिलेगी। ही विल डेफिनेटली नॉट प्ले दिस मैच, इज सस्पेंडेड, प्लीज़ अवॉइड टिम केहिल, ही विल नॉट प्ले दिस मैच। राफेल बास्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू कैन सी ही इज सिलेक्टेड बाय अराउंड 83.7 पीपल एंड राइटली सो। ऑल्दो इनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है लास्ट फ्यू सीजन्स में, बट ये MCFC के जो मैनेजर हैं उनके साथ पहले भी खेले हुए हैं, सो उनके डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, सो आई वुड से यू स्टार्ट हिम इन योर टीम। सिडोंचा इज़ अनदर प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इनकी ओनरशिप इज़ 19.8%, ज़्यादा नहीं है, बट एज आई सेड मैनेजर की गुड बुक्स में है, एंड ऑल्दो ही इज़ अ मिडफील्डर, ही इज़ लिस्टेड एज अ स्ट्राइकर इन दिस मैच। सुमित पासी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। सो ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी ये होगी कि वी विल पिक मोर मिडफील्डर्स। आई विल पर्सनली अवॉइड सुमित पासी बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर ही विल स्टार्ट, बट अगर आप इनको टीम में ले लीजिए तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं ये। मिडफील्ड की बात करें जहाँ हम जाएंगे नाउ, जेरी को हम अपनी टीम मिलेंगे। जेरी इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इन्होंने लास्ट सीजन असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट किए थे और 2 गोल भी मारे थे। जेरी का इनफैक्ट रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ, ही है होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट गोल स्कोर्ड इन ISL हिस्ट्री, 2-1 विन अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स इन जनवरी, जेरी ने ये रिकॉर्ड होल्ड किया था। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर योर टीम, इनकी ओनरशिप भी बहुत हाई है, सो यू कैन पिक हिम। मार्टियास मेरा बाजे, एज आई सेड आई एम नॉट 100% श्योर ही विल स्टार्ट, आई विल अवॉइड हिम, ये मोस्ट लाइकली रोटेट होंगे और इनका पार्टिसिपेशन इस मैच में मेरे हिसाब से कन्फर्म नहीं है, बट स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप इनको कंसिडर करना चाहें। मेरे सेकेंड पिक होंगे MCFC से सोगू, बिकॉज ये सेनेगली स्ट्राइकर हैं, ये जो मैनेजर आए हैं नए MCFC के, 2 क्लब्स में इन्होंने सोगू को अपनी टीम में लिया था। सो वन ऑफ दोज क्लब्स वॉज रोमेनियन लीग का CFR क्लूज। सो क्लूज वन द चैम्पियनशिप विद द सेम मैनेजर जो अभी MCFC के हैं, विद सोगू एज द स्ट्राइकर, इसलिए इनका काफ़ी अच्छा दोनों का पार्टनरशिप है। जैसे ही ये MCFC आए, इन्होंने सोगो को साइन कर लिया। ये एक सेनेगली स्ट्राइकर हैं, लिस्टेड एज ए मिडफील्डर, ओनरशिप भी बहुत कम है, कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर योर टीम। बिपिन सिंह इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर टीम, बट आई विल गो फॉर सैनाथ सिंह, जिनका रोल मेरे हिसाब से टीम में इज़ मोर सर्टन। सैनाथ सिंह एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए भी खेला हुआ है, ही हैज़ इम्प्रेस्ड, सो ही इनका ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका ब्रेकआउट सीजन हो सकता है इस सीज़न। ही प्लेज थोड़ा विड्रॉन रोल में, बट आई फील ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर टीम एंड काफ़ी सिक्योर ऑप्शन फॉर योर टीम है। मेरे एक और पिक होंगे कार्लोस काल्वो, एज आई सेड 100% श्योर नहीं हुए खेलेंगे, बट अगर ये इन्होंने खेला अटैकिंग विंग रोल पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जमशेदपुर मिडफील्ड, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर टीम। मेरे फाइनल पिक होंगे मिडफील्ड से मेमो, हु आई फील विल स्टार्ट दिस मैच इन मिडफील्ड, काफ़ी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी अच्छा रखते हैं, आई विल स्टार्ट हिम इन माई टीम। बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें तो बिपिन सिंह इज़ अ प्लेयर जो अपनी टीम में ले सकते हैं, एज आई सेड संजू प्रधान इज ऑल्सो अ प्लेयर विच यू कैन कंसिडर इन योर टीम, बाकी प्लेयर्स आई वुड से आर लिटिल डाउटफुल सो अवॉइड देम। बात करते हैं डिफेंस की, सबसे पहले आपके पिक होने चाहिए लुशियान गोयान, हु इज़ कैप्टन ऑफ MCFC। ISL में ओवर द ईयर सेंटर बैक्स ने काफ़ी गोल मारे हैं बिकॉज फिजिकैलिटी इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडियन लीग,
सो लुशियान गोयान जैसे प्लेयर हैं वो एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, ही कैन स्कोर गोल्स फ्रॉम हेडर, इसलिए आई विल पिक हिम इन माई टीम. टीरी इज़ हिज काउंटर पार्ट, ऑपोजिशन टीम के सेंटर बैक कैप्टन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. ये दोनों प्लेयर्स डेफिनेटली खेलेंगे टीम में, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं. शौविक चक्रवर्ती आई विल पिक बिकॉज ही इज़ एन अटैकिंग फुल बैक फॉर MCFC. सो जमशेदपुर के काफ़ी अटैकिंग प्लेयर्स इस मैच में मिसिंग है बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, एज आई सेड गोलकीपर भी मिसिंग है. सो आई वुड से कि पिक ऑप्शंस, मोर डिफेंसिव ऑप्शन फ्रॉम मुंबई सिटी FC, ऑल्दो ट्रेडिशनली उनका डिफेंस अच्छा नहीं है, बट अगर वो क्लीन शीट इस मैच में नहीं रख सकते तो फ्यूचर में भी इनके लिए क्लीन शीट रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. गोलकीपर पिक विल बी अमरिंदर सिंह, बिकॉज अमरिंदर सिंह ने सबसे ज़्यादा सेव्स किए थे ऑफ ऑल द गोलकीपर्स इन द ISL लास्ट सीजन. सो इनके सेव पॉइंट्स आपको काफ़ी पॉइंट्स दे सकते हैं, इवन दो ये क्लीन शीट शायद इस मैच में ना रखें. सुब्रता पॉल को अवॉइड करना, ही इज सस्पेंडेड. इनकी ओनरशिप 47.8% लोग पता ही नहीं है कि ये सस्पेंडेड हैं, सो अवॉइड हिम. अगर आप दूसरे गोलकीपर के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन पिक शुभाशीष रॉय. आई वुड पर्सनली गो फॉर अमरिंदर सिंह बिकॉज ऑफ हिज सेव्स पोटेंशियल. कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें, अगेन काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना, बिकॉज वी हैव टू पिक दोज प्लेयर जो हमारे हिसाब से 100% खेलेंगे. सो आई वुड से मोदू सोगू एंड रफाइल बैस्टॉस, इनमें से कोई आप प्लेयर ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो फॉर रफाइल बैस्टॉस सर्जियो सिडोंचा पार्टनरशिप, विच आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन. बिकॉज ऑफ हिस ओनरशिप आई वुड आस्क यू टू कैप्टन रफाइल बैस्टॉस, बिकॉज अगर आपका ये कैप्टन नहीं हुए और उन्होंने गोल मार दिया तो आपके काफ़ी पॉइंट सफ़र होंगे, इसलिए रफाइल बैस्टॉस इज़ प्रॉब्ली द सेफेस्ट ऑप्शन आई वुड से. वाइस कैप्टनसी में मैं जनरली थोड़ा रिस्क लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई सी मैं आगे निकल सकता हूँ लोगों से. प्रॉब्ली गो फॉर समवन लाइक सोगू, जेरी और इवन सिडोंचा इन माई टीम. तो ये थी मेरी बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर MCFC वर्सेस JFC. अगेन प्रॉबेबल 11 आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में, फैंटेसी स्काउट 11, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा जो ग्राफिक फॉर्म में है, इसमें आप देख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने सोहू को करा है बैस्टॉस की जगह, बट आप इसको रिवर्स कर लीजिए. बैस्टॉस आई फील माइट बी अ बेटर ऑप्शन प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स ओनरशिप. वंस अगेन टिम केहिल को अवॉइड करना बिकॉज ही इज सस्पेंडेड, ही विल नॉट प्ले दिस मैच. उनका ओनरशिप इज ऑलमोस्ट 80%, सो 80% लोगों से आपको एडवांटेज मिल सकता है इफ़ यू अवॉइड टिम केहिल इन योर टीम. सुब्रता पॉल को भी अवॉइड करना, 100% दोनों नहीं खेलेंगे बिकॉज दे आर सस्पेंडेड, सो वॉच आउट फॉर देम. चैंपियंस लीग के और मैचेस हैं, चार मैचेस हैं जिसके मैं दो वीडियो बनाऊंगा. मैंने ट्विटर पे अपना पोल रन किया था, यू कैन सी फैंटेसी स्काउट 11, दिस इज माय ट्विटर हैंडल. सो मैंने आपसे पूछा था कि मैं दो चार में से दो मैचेस कवर करूंगा. फिलहाल यूवेंटस वर्सेस यंग बॉयज, CSK मॉस्को रियल मैड्रिड, यूनाइटेड वेलेंसिया, ये तीनों अभी टॉप के पोल्स हैं. सो मोस्ट लाइकली आई विल मेक वीडियोज फॉर ऑल थ्री मैचेस. सिमिलरली आई विल रन अ पोल फॉर टुमारोज मैचेस एज वेल. ब्लॉग पे भी आपको सारे मैचेस मैं कवर करूंगा with probable 11 and best team 11 combinations, so you can check that out as well. So इस वीडियो के लिए इतना ही, all the best for this match. कोई अपडेट होता है तो मैं आपको दूंगा. I will see you soon.